हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीआईट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अपडेट योर बैंक अकाउंट थ्रू एसएनबी क्विक पे। आप अपना बैंक अकाउंट किस तरह से अपडेट करते हैं एसएनबी क्विक पे के अकाउंट से, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे जीआईट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए उसे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एसएनबी क्विक पे ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। उसके बाद थ्री लाइंस दिख रहे हैं ऊपर, उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, आप देख सकते हैं आईडी एक्सपायरी डेट ऊपर से सेकंड वन, इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप आईडी एक्सपायरी डेट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डिटेल्स आएगा, इकामा नंबर, इकामा एक्सपायरी डेट, ऑक्यूपेशन है, अपडेट आईडी एक्सपायरी डेट यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें। लेकिन अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है कि विजिट द ब्रांच टू अपडेट योर आईडी। पहले क्या था, हम यहाँ से ही ऑनलाइन अपने मोबाइल से अपडेट कर लेते थे, लेकिन अभी ये शो हो रहा है कि आपको ब्रांच विजिट करना होगा अपडेट करने के लिए। अभी ऑनलाइन नहीं है ये सिस्टम। अभी आपको अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको बैंक विजिट करना होगा, तभी आपकी आईडी अपडेट, बैंक अकाउंट की आईडी अपडेट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था बताने के लिए आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।